कॉर्बिज। नमस्कार, आप देख रहे हैं कॉर्बिज। आज हम बात करेंगे सिगरेट वेस्ट रिसाइकिल का व्यवसाय आप कैसे शुरू कर सकते हैं। देखिए, धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, ये सभी जानते हैं, लेकिन फिर भी हम में से कई लोग इस वैधानिक चेतावनी को अनदेखा कर विविध प्रकार के धूम्रपान जैसे सिगरेट, टोबैको, शराब और ड्रग्स का सेवन रोज़ाना की दर में बहुत ज़्यादा करते हैं। दुनिया भर में हर साल लगभग 4.3 ट्रिलियन सिगरेट्स की खपत होती है। अकेले भारत में ही 100 बिलियन से अधिक सिगरेट का उपभोग किया जाता है। पर क्या आप जानते हैं कि सिगरेट पृथ्वी पर सबसे अधिक अपशिष्ट बढ़ाने वाली वस्तु है? मसलन, जब कोई व्यक्ति सिगरेट का सेवन करता है तो सेवन के बाद सिगरेट के अंतिम छोर पर बचे हुए वेस्ट को यूं ही सड़कों, कूड़ेदानों पे हर जगह पर फेंक देता है, जिसकी वजह से सिगरेट उपभोग करने के बाद पीछे रह गए सिगरेट के टुकड़े अपशिष्ट के रूप में बड़ी मात्रा में इकट्ठे होने की समस्या अब हर जगह दिखने लगी है। सिगरेट के बड्स को रिसाइकिल कर उसे खिलौना, कुशन और मच्छर भगाने वाली दवाइयां तक तैयार की जा सकती हैं। चलिए अब डिटेल में जानते हैं। सिगरेट के ये बचे टुकड़े सेल्यूलोज एसीटेट नामक प्लास्टिक से बने हुए होते हैं, जिन्हें प्राकृतिक तरीके से मिट्टी में डिजॉल्व या डिफ्यूज होने में लगभग 10 वर्ष या उससे अधिक का समय लग जाता है। इसीलिए सिगरेट से बचे टुकड़े का रिसाइकिल किया जाना प्रथम अनिवार्यता है हमारी। ये एक बहुत बड़ा विषय बन चुका है। चलिए अब जानते हैं सिगरेट वेस्ट रिसाइकिल व्यवसाय पर लागत कितनी लग सकती है, इसको जरा समझ लीजिए। यदि आप सिगरेट वेस्ट रिसाइकलिंग व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो इस व्यवसाय के पूरे सेटअप में कम से कम लगभग 5-15 लाख रुपए तक की पूंजी का निवेश करना होगा। यह निवेश रॉ मटेरियल एकत्र करने, स्थान, कच्चे माल की क्रय दर के अलावा मैन पावर की चयन पर घट अथवा बढ़ भी सकता है। सिगरेट वेस्ट रिसाइकिल व्यवसाय में मुनाफा क्या है, जरा इसको भी समझ लेते हैं। अब बात करते हैं सिगरेट वेस्ट रिसाइकलिंग व्यवसाय से होने वाले मुनाफे की। सामान्य तौर पर सिगरेट अपशिष्ट रिसाइकलिंग व्यवसाय में रॉ मटेरियल या कच्चे माल को मुफ्त अथवा 500 से 700 रुपए किलो में खरीदा जाता है, जिसे रिसाइकिल प्रोसेस से गुजार कर अलग अलग उत्पादों में परिवर्तित कर अन्य निर्माणकर्ताओं, होलसेल और रिटेल बाजार में ग्राहकों की मांग के अनुसार आसानी से बेचा अथवा खरीदा जाता है, जहां मुनाफा 25% से 80% तक कमाया जा सकता है। सिगरेट वेस्ट रिसाइकिल व्यवसाय शुरू करने के लिए आवश्यक स्थान के बारे में अब हम जानेंगे। सिगरेट वेस्ट रिसाइकलिंग व्यवसाय या फैक्ट्री शुरू करने के लिए कम से कम 4000 वर्ग फुट स्थान या जगह की जरूरत होती है। यहाँ प्लांट में कम से कम 3700 वर्ग फुट क्षेत्र पूरी तरह से धूल, बारिश, मिट्टी व प्रदूषण से ढका अथवा संरक्षित होना चाहिए। साथ ही प्लांट में कचरे रखने का स्थान ऐसा निर्धारित किया गया हो जिससे कर्मचारी को काम करने व तैयार माल को सुरक्षित रखने में किसी भी तरह की कोई असुविधा ना हो। इस स्थान पर बिजली आदि की उचित व्यवस्था का होना अनिवार्य है। अब चलिए जानते हैं स्थान पर बिजली आपूर्ति और आवश्यक उपकरण आपको क्या क्या इस्तेमाल करने होंगे। देखिए, सिगरेट वेस्ट रिसाइकलिंग व्यवसाय में मशीनों आदि के सुगम संचालन के लिए कम से कम 5-10 किलोवाट की क्षमता के बिजली कनेक्शन की आवश्यकता होती है। यह क्षमता मशीनों के चयन आधार पर भी सुनिश्चित या निर्धारित की जा सकती है। साथ ही प्लांट में बिजली को नियंत्रित और पर्याप्त आपूर्ति के लिए DG सेट कंट्रोल पैनल, पावर पैनल आदि उपकरणों का होना बहुत ही आवश्यक है। अब आपके मन में प्रश्न आएगा कि सिगरेट वेस्ट रिसाइकलिंग व्यवसाय शुरू करने के लिए कच्चा माल आखिर कहां से लाएं? तो इसके लिए आप कच्चा माल छोटी बड़ी सिगरेट विक्रेता दुकानों से, रोड के किनारे स्थित चाय व भोजन स्टॉल, ढाबे से, विशेषकर V-बीन उन स्थानों पर लगाया जाता है जहां बड़ी संख्या में ग्राहकों द्वारा सिगरेट का उपभोग किया जाता है। आप वेंडरों को सिगरेट वेस्ट इकट्ठा करने या करवाने के लिए एक निश्चित धनराशि दर भी निर्धारित कर सकते हैं। अब चलिए सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट पे आते हैं, वो है सिगरेट वेस्ट रिसाइकिल व्यवसाय का पंजीकरण। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी व्यवसाय
या कारोबार शुरू करने से पहले एक एंटरप्रेन्योर को अपने व्यवसाय या कारोबार की कंपनी या फर्म का पंजीकरण कराना बहुत ही अनिवार्य है, क्योंकि किसी भी व्यापार को शुरू करने के लिए पहला मानक पंजीकरण या रजिस्ट्रेशन लेना ही होता है। रिसाइकल व्यवसाय को शुरू करने के लिए एंटरप्रेन्योर को अपनी फर्म पंजीकरण के बाद फर्म के नाम से एक बैंक अकाउंट खोलना होता है। इसके बाद सिगरेट वेस्ट मटेरियल को रिसाइकिल करने वाले व्यवसाय या कारोबार को शुरू करने के लिए भारत सरकार द्वारा निर्धारित किए गए मानक प्रमाण पत्रों से पंजीकरण करवाना अनिवार्य है। यह पंजीकरण है जैसे फर्म रजिस्ट्रेशन, MSME रजिस्ट्रेशन, फैक्ट्री लाइसेंस, GST नंबर, NOC सर्टिफिकेट फ्रॉम पॉल्यूशन डिपार्टमेंट एंड फायर कंट्रोल बोर्ड। जब आप ये सारी मान्यताएं ले लेते हैं, उसके बाद ही आप इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। यदि आपका कोई भी सुझाव हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और ये बिज़नेस अगर आप शुरू करना चाह रहे हैं तो आप हमारे कॉपबिज की टीम से सलाह ले सकते हैं। हमारे विशेषज्ञों के हिसाब से अगर आप चलेंगे तो यह बिज़नेस आपका बहुत ही अच्छा ग्रो करेगा। हम पल पल हर कदम पर आपके साथ खड़े रहते हैं। और अधिक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। धन्यवाद।